नमस्कार। 5 अगस्त के बारे में बात करने आया हूँ। ये 5 अगस्त नए भारत का नया राष्ट्रीय पर्व कैसे बन गया है यह बताने आया हूँ। ये 5 अगस्त का नाम सुनते ही पूरा पाकिस्तान जो है वो कुलबुलाने लगता है। इमरान खान को तो खलबली मच जाती है। अपना जो कांग्रेस जी हैं, अपने पूरे पार्टी में राहुल गांधी एंड टीम, वो सभी बेचैन होने लग जाते हैं। और जो तथाकथित लिबरल और सेकुलर्स हैं वो तो फटफटना चाहते हैं। ये 5 अगस्त कैसे राष्ट्रीय दिवस बना ये बता रहे हैं योगी जी। पहले उनको सुनिए। 5 अगस्त की तिथि कश्मीर के कलंक धारा 370 को समाप्त करने के लिए भी जानी जाती है। 351, 351, 351, 72, 72, 72 निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। और 5 अगस्त की तिथि सैकड़ों वर्षों की गुलामी को दता बताते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ के लिए भी जाना जाता है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय, सिया राम। और इसलिए भाइयों बहनों, 5 अगस्त की उस तिथि का और कार्यक्रम भी अलग अलग तिथि में आपने देखा होगा। कैसे एक तिथि को इतिहास के अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया है। 5 अगस्त की वह तिथि भारतीय इतिहास के लिए उसी प्रकार से मठ हो गई जो आजादी के बाद कुछ सरकारों ने इस देश में आतंकवाद के रूप में देने का प्रयास किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी ने कश्मीर के धारा 370 को, आतंकवाद की जन्य उस धारा को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद को हमेशा के लिए नेस्तनाबूत करने का कार्य भारत की धरती से किया है। बात यहीं तक नहीं रुकी। पहले कहते थे ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, वो कल की बात है भाई। 370 हटाते ही एक दूसरी तरह का जो नैरेटिव है शुरू हो गया है, जो पीओके है ना, उसे भी गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। ये अब हम कहने लगे हैं, भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब ये बयान देने लगा है। अब बयान देते ही खलबली मचने लगी है। बात यह है कि जो गिलगित है, बल्टिस्तान है, पीओके से बहुत ज़्यादा ज़मीन उधर है। 1962 में जो नेहरू जी ने युद्ध में हारे थे अक्साई चीन, वो तो बहुत ज़्यादा ज़मीन है वहाँ। और पाकिस्तान के हिस्से में जो भारत की ज़मीन थी उसने जो गिफ्ट किया हुआ चीन को, भैया 5 अगस्त के नाम सुनते ही सब में खलबली मच जाती है। भारत जो 5 अगस्त को कर चुका है वो अब कुछ भी कर सकता है। ये पावर है 5 अगस्त का। जरा सुनिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है पीओके के ऊपर। जब उसके बाद ये जो इमरान खान का भी बयान सुनाएंगे और फिर वो खास बात भी बताएंगे जिसके लिए शोर है, शराबा है, हंगामा है, लिबरल गैंग में भूचाल है कि 5 अगस्त को क्या होने वाला है। सुनिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्या बयान है। लुक, लेट मी मेक वेरी क्लियर दैट द सो कॉल्ड इलेक्शंस इन इंडियन टेरिटरी अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान आर नथिंग बट एन अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान टू कैमोफ्लज इट्स इलीगल ऑक्यूपेशन एंड द मटीरियल चेंजेस अंडरटेकन बाय इट in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise, which has been protested and rejected by the local people. जो भी पीओके में है वो तो पाकिस्तान की हुकूमत चाहता नहीं है, वो तो खुलेआम है। इनकलाब आए दिन होते रहते हैं, उस पर जो है इमरान खान अपने इरादे ठोकते जा रहे हैं। जरा सुनिए। मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। और आप जब फैसला करेंगे रेफरेंडम के जरिए
क्या आप हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके बाद मेरी हुकूमत आपको एक और हक देगी कि रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये शोर सुना ना, अरे मियां इमरान खान, कोई नहीं चाहता पाकिस्तान, वो है ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो तुम्हारा नहीं है। और इस 5 अगस्त को जो सबसे बड़ी बात होने वाली है, जो लोग कह रहे हैं, हमारे एक यूट्यूब पे एक मनीष भाई आते हैं, दूर की कौड़ी लेके आते हैं, बहुत ठोके बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में UCC समान नागरिक संहिता कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश होने वाला है। जरा सुन लीजिए पहले उनसे। खबर ये आ रही है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी संसद में एक ऐसा कानून लेकर के आने वाले हैं जिसके बाद से ये तमाम विपक्षी पार्टियां, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लुटियन मीडिया, ये छाती पीटेंगे, चिल्लाने लगेंगे, चीखने लगेंगे कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र और हिंदू फासीवादी ताकतें हिंदुस्तान के ऊपर अपना मनमाना कर रही है, इस तरह के आर्टिकल भी लिखे जाएंगे। लेकिन इसकी चिंता किए बगैर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यह फैसला किया है कि 5 अगस्त को जो सबसे कंट्रोवर्शियल कानून, जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे में तो था, उनके वायदों में तो था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया था, उसका नंबर आ गया है 5 अगस्त को यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून संसद में पेश किया जाएगा और उसे पास किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ये 5 अगस्त भारत का राष्ट्रीय दिवस है, क्योंकि इस 5 अगस्त को भारत ने अचीव किया एक राष्ट्र, एक झंडा, एक प्रधानमंत्री, और इसी 5 अगस्त को ऐसी उम्मीद है कि अचीव करेगा एक नागरिक कानून संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी 5 अगस्त को 500 सालों से चली आ रही राम जन्मभूमि पूजन हुआ, हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता संस्कृति परंपरा का देश भारत बनने लगा है, इसकी शुरुआत 5 अगस्त को हुई थी। 5 अगस्त 2019 370 हटा, 5 अगस्त 2020 राम जन्मभूमि का पूजन हुआ, 5 अगस्त 2021 को देखिए सब गवाह बनेंगे। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता संस्कृति परंपरा और एक हिंदू राष्ट्र में विश्वास करने वाले सब जो भी हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कीजिए। जब भी कुछ नई बात होगी, हम आते रहते हैं, आते रहेंगे, हम राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्रवादी चैनल है। साथ मिल के कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notification.